गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग कुंदन पहाड़ी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, जस्ट टाइम में उठने के बाद गाड़ी में आया हूँ बाहर और मेरी बस छूट चुकी है। बस में मेरे को जाना था तो बस चले गए हैं। जैसे मतलब मैं कम से कम 2 मिनट लेट हुआ, ओनली 2 मिनट वो बस के लिए मैं 2 मिनट लेट हुआ। अब खाली बेमतलब मेरे को ये गाड़ी में बोलेरो में जाना पड़ रहा है। और तो गाइज, सुबह का मॉर्निंग व्यू देख लो, यहाँ के नज़ारा देख लो। निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि पिथौरागढ़ तक निकलूंगा शायद मैं। इसमें मिलते रहेंगे गाइस रास्ते में आप लोगों को, क्योंकि जब भी चेकआउट कर लिया मैंने, मैं एक बार बस देखने आया था इधर, तो उसके बाद मैंने बोलेरो की बात की, यहाँ गाड़ी वालों से बात की। बाद जस्ट अभी अब निकल रहे हैं ये, तो यहाँ से जाएंगे अभी, उसके बाद रास्ते में मिल। जब भी हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, धारचूला से निकल रहे हैं, हमारे उस्ताद जी एक खाली मेयर को लेके चल रहे हैं। अब रास्ते में मिलेंगे तो ठीक है, देखते हैं। और सुबह से बहुत ज़्यादा वेट कर लिया ना, कम से कम यहाँ 1-2.5 घंटे वेट कर लिया मैंने।
कार्ड से और यहाँ से बस जा रही है, तो उसके बाद बस में निकलूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि ये बस जा रही है दिल्ली टू हल्द्वानी जा रही है, तो इसमें निकलूंगा और तो देखते हैं एक बार कहाँ से जा रही है बस, उसके बाद बस में जाएंगे शायद हम लोग जहाँ तक है, तो निकलते हैं अब यहाँ से भैया। चलो आपका बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिथौरागढ़ तक पहुँचा दिया है, तो अब अगली बार आएंगे नेपाल, जब भी आएंगे तो पक्का मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट अभी मैं पिथौरागढ़ पहुँच चुका हूँ, और पिथौरागढ़ में जो पीछे बस लगी है मेरी, तो इस बस में मैं टनकपुर तक निकलूंगा, और जैसे पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद पिथौरागढ़ का नज़ारा देखेगा इस, पिथौरागढ़ का नज़ारा तो वैसे दिखा रखा है, और पिथौरागढ़ पहुँच गया हूँ मैं, और जस्ट अभी पिथौरागढ़ से फिर निकल रहे, यहाँ से रवाना होंगे अभी जस्ट हम लोग, उसके बाद मेरा ट्रैक रहेगा आज का मिशन रहेगा हल्द्वानी तक का, हल्द्वानी भी कैसे करके मेरे को हल्द्वानी पहुँचना है, मतलब जब भी पहुँचूँगा रात को, मैं रात तक पहुँचूँगा शायद, रात तक अंधेरे तक मैं जब भी पहुँचूँगा तो मैं हल्द्वानी पहुँचूँगा। और तो फिलहाल गाइज अभी निकलने वाली है बस, निकलने वाली जस्ट 10-15 मिनट में निकल जाएगी बस, और तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अब रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं सीधे जाके अब हल्द्वानी टनकपुर पहुँचने के बाद मिलूँगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ से मेरी बस चेंज रहेगी, ये दिल्ली आनंद विहार वाली बस है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को सीधे टनकपुर पहुँचने के बाद, फिर उसके बाद टनकपुर में मिलूँगा मैं, टनकपुर पर ब्लॉग बनाऊँगा तो वहाँ शूट करूँगा, तो उधर मिलूँगा मैं। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, क्या करेगा गाइस, सुबह से बैठा हूँ, सुबह 7 बजे से गाड़ी में बैठा था, 10 बजे वहाँ से आए, और तो यहाँ कम कितने बजे मेरे को यहाँ कितने बजे छोड़ा देखो गाइस, 2:20 हो गया, 2:20 में छोड़ रखा मेरे को, और तो चलो गाइस कोई बात नहीं, बस खाना वाना खा गए, एक बार पूछते हैं कितने बजे कब जाएगी बस करके, तो अगर कितने बजे जाती बस फिर पता करते हैं एक बार, फिर उसके बाद नहीं तो खाना खाते हैं। फिलहाल गाइस जस्ट अभी मैंने जैसे क्या कहते हैं नेपाल से वापसी आया मैं धारचूला से गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ क्या कहते हैं पिथौरागढ़ तक आए, पिथौरागढ़ से फिर उसके बाद मैंने दूसरी बस चेंज की, क्योंकि यहाँ से पिथौरागढ़ से मेरे लिए कोई बस नहीं थी, तो फिर मैंने कहा टनकपुर वाली पकड़ लेते हैं, टनकपुर वाली में, तो अभी यहाँ पर मैं रुके हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं जस्ट यहाँ पर मैंने कई ब्लॉगों में डाल भी रखा है, यहाँ पर एक बार बहुत पहले जब आए थे मैं हल्द्वानी तब मैंने हमने यहाँ पर खाना खाया, तो आज यहाँ पे अभी भी यहीं पे रुके हैं, क्योंकि हमने खाना आना खा लिया है, अभी सब लोग उतरे हैं, देख सकते हैं आप लोग पीछे को भी, क्योंकि